नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को केज्ड पैरट कहा था, यानी पिंजरे में बंद तोता। ये तोता आजकल फिर सुर्खियों में है। ये तोता फिलहाल पिंजरे में है या उड़ गया है, या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दखल दिया है तो किन के हाथों के तोते उड़ेंगे, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हिंदुस्तान समाचार के समूह संपादक और वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय साहब। राय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका इतना लंबा करियर है राजनीति को समझने का भी और पत्रकारिता का भी, क्या आपने कभी ऐसा मौका देखा है कि सीबीआई को लेकर इतना बड़ा हंगामा हुआ हो कि सीबीआई के दो अफसरों के बीच में मुकाबला चल रहा हो, सीबीआई अपने अफसर को गिरफ्तार कर रही हो, सीबीआई के दफ्तर में छापा पड़ रहा हो और पूरी क्रेडिबिलिटी सरकार को भी इसके लिए एक मुश्किल में डालती? सीबीआई 89 में उसी तरह की परिस्थितियों में थी जैसी आज है जी। और इसलिए जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी जी, तो उस समय जसवंत सिंह जो भाजपा के नेता थे जी, एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन हुए और उन्होंने जांच एजेंसियों को अपने दायरे में ले लिया और उसमें रात थी, आईबी थी और सीबीआई थी। लेकिन प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से राय और आईबी को उससे निकाल दिया गया। जसवंत सिंह ने सीबीआई की जांच की, पार्लियामेंट में वो उनकी रिपोर्ट आई और सीबीआई की जो साख है उस पर सवाल राजीव गांधी के समय में से ही उठना शुरू हुआ था, क्योंकि कांग्रेस सीबीआई को अपने ढंग से इस्तेमाल कर रही थी और उससे पहले इंदिरा गांधी ने सीबीआई का बहुत दुरुपयोग किया था। तो सीबीआई की साख जान लोवो जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, जो 67 में डायरेक्टर थे, उनके समय में थी। और सीबीआई की उस समय जो साख थी, माना जाता था कि अगर कोई मामला करप्शन का हो या क्राइम का हो उसको सौंपा जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी वो कर सकती है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बाद जब जान लोगों को मुगल सराय से वापस बुला लिया गया, तो कहना चाहिए कि उस समय से ही, तब से लेकर और 12 साल तक लगातार सीबीआई की साख नीचे जाती रही। अब आज अगर उस समय की सर, तो कांग्रेस के वक्त में तो माना जाता था कि जब भी, खासतौर से जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, फिर राजीव गांधी के वक्त में भी, कि जो भी राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो तो उसमें सीबीआई का इस्तेमाल होता था। और दो तरह से इस्तेमाल होता था। सीबीआई का इस्तेमाल होता था विरोधियों को डराने के लिए जी, सीबीआई का इस्तेमाल होता था अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए। लेकिन ये समय समय पर जब गैर कांग्रेसी सरकारें आई हैं तो सीबीआई की साख को बहाल करने की कई बार कोशिश हुई है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुई है और इस बार भी जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने आलोक वर्मा को ये इसीलिए सीबीआई का डायरेक्टर बनाया क्योंकि आलोक वर्मा के बारे में माना जाता था कि ये साफ सुथरे व्यक्ति हैं। लेकिन आलोक वर्मा ने जिस तरह से अपने ही एक सहयोगी से रार मोल ले लिया और अब उसमें एक दूसरे पर जो आरोप है, उस आरोप में सच्चाई कितनी है उसकी तो जांच होगी जी। लेकिन आलोक वर्मा के अदूरदर्शितापूर्ण आचरण से सीबीआई फिर से सवाल में आ गई है। ऐसा जो आपने बात कही वो ठीक है, लेकिन क्या हम इसको दो अफसरों के बीच की रार के तौर पे ही देखें या ये कोई पॉलिटिकल वार गेम है कि कांग्रेस जो है आलोक वर्मा ने जो लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहती है, जिस पर अभी तक वो बहुत सफलता नहीं हासिल कर पाई थी मोदी सरकार के खिलाफ? आलोक वर्मा अगर किसी के हाथ में खेल रहे हैं तो अभी इसके अपने पास प्रमाण नहीं है। लेकिन आलोक वर्मा की, इसीलिए मैंने कहा कि अदूरदर्शितापूर्ण या अव्यवहारिक तौर तरीके के कारण कांग्रेस को अवसर मिला है सरकार पर हमला करने का जी। अगर आलोक वर्मा अपना काम करते और सीबीआई के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए अपनी लीडरशिप का इस्तेमाल करते
तो कांग्रेस को कोई ये अवसर नहीं मिलता। सीबीआई जिन बातों की जांच कर रही है उसमें कांग्रेस के बड़े नेता फंसे हुए हैं जी, जैसे पी चिदम्बरम। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो मोइन कुरैशी का मामला है जी, उस मोइन कुरैशी से जो बातचीत हो रही है उस बातचीत में राहुल गांधी का नाम है जी, अहमद पटेल का नाम है, सोनिया गांधी का नाम तो नहीं है लेकिन सोनिया गांधी की तरफ इशारा है। तो ये एक संभावना हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आलोक वर्मा जो अब जनवरी में रिटायर हो रहे हैं अपने भविष्य की व्यवस्था को देखते हुए कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर चल रहे हों, ये लेकिन ये हो सकता परंतु उनको अपनी पहली जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करना चाहिए था। और आलोक वर्मा के पीएसओ वगैरह ने जो हरकत की है उससे भी ऐसा लगता है कि आलोक वर्मा किसी के हाथ में खेल रहे हैं। लेकिन सर, जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन आया, फैसला आया, क्या आप इसे किसी की जीत या हार के तौर पर देखते हैं? सरकार की जीत, सरकार की हार, कांग्रेस की जीत, कांग्रेस की हार? आलोक वर्मा ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपील की और वो उनके साथ कॉमन काज जुड़ गया, दूसरे बड़े वकील जुड़ गए, हालांकि कांग्रेस के नामी वकील उनके केस से दूर रहे अपने को, वो उनकी स्ट्रेटजी का भी हिस्सा हो सकता है। तो सब लोगों की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर थी और ख़ास तौर पर जब रंजन गोगोई उन चार जजों में शामिल थे, जोसेफ स्वयं जिनकी नियुक्ति में सरकार देर कर रही थी, तो इस बेंच में दो लोग ऐसे थे जो घोषित रूप से सरकार के विरोधी माने जा रहे थे। इसके बावजूद रंजन गोगोई के नेतृत्व की जो बेंच है, पीठ है, उसने जो फैसला किया वह उस फैसले से पहली बात तो यह हुई कि सरकार ने जो निर्णय किया उस पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया जी। यह बेंच ये भी कर सकती थी कि आलोक वर्मा को वो रीसेट कर देती जी, फिर से उनके पद पर बैठा देती, वो सरकार पर बड़ा भारी तमाचा होता जी। और यही कामन काज और दूसरे लोग चाहते थे। बहुत लोगों को लग रहा था कि शायद यही रंजन गोगोई करेंगे भी, लेकिन रंजन गोगोई ने जो किया है वह एक ऐसा फैसला है जिसके लिए रंजन गोगोई को बहुत दिनों तक याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सीबीआई की के दो अफसरों के झगड़े में सच्चाई क्या है इसकी छानबीन का एक की व्यवस्था रास्ता दिखाया। और अब उस छानबीन से मालूम होगा, पहले जांच होगी आलोक वर्मा की जी, क्योंकि सबसे पहले आरोप उन्हीं पर लगा है जी, तो आलोक वर्मा की जांच के बाद पता चल सकेगा कि दरअसल उन पर जो आरोप हैं उसमें कोई सच्चाई है या नहीं है। अब आज आया है मीडिया में, अखबारों में भी आया है कि फाइलों से उन पर उनके खिलाफ आरोप मिलना मुश्किल होगा, तो ये अलग बात है कि फाइलों में है या नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जांच की एक व्यवस्था की है, सुप्रीम ए के पटनायक की देख रेख में सीबीसी जांच करेगी। ए के पटनायक अपनी ईमानदारी के लिए, निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं। ए के पटनायक ने स्वयं दागी नेताओं के बारे में फैसले किए, वो ये क्या कहते हैं क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वाला फैसला किया, कई फैसले उन्होंने किए और उन फैसलों में उन्होंने एक पैमाना तय कर दिया। तो सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी 12 नवंबर की तारीख दी है कि इस पर 12 नवंबर के बाद इस पर बात करेंगे,
तो ऐसे में क्या कांग्रेस को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की जरूरत थी आपको लगता है, या देखिए, इंतजार करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले? कांग्रेस की विडंबना यह है कि उसके पास 4 साल हो गए, वह कोई ऐसा मुद्दा नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ खोज नहीं पा रही है जिसको आगे बढ़ाए और लोग उसका समर्थन करें, क्योंकि विपक्ष की हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसा कोई उसको मामला नहीं बन पाया, उसको उस राफेल को लेकर भी नहीं हो उसको पाई बात। उसको कोई मुद्दा मिले जी और उस मुद्दे से वो जनता में जाए। तो अब तक राहुल गांधी को कोई एक भी ऐसा मुद्दा मिला नहीं है, और इसलिए सीबीआई वाला मामला, सीबीआई का नाम बहुत है, सीबीआई पर ही सवाल उठ रहा है। अब इसको राहुल गांधी ने समझा कि शायद ये हमको मुद्दा मिल जाएगा, तो एक मुद्दे के रेगिस्तान में राहुल गांधी घूम रहे हैं, पानी खोजते हैं, ये हालत है। तो आपको और मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी को एक जिम्मेदार राजनीतिक नेता अगर वो होते तो उन्हें चाहिए था कि वो 15 दिन इंतजार कर इंतजार लेते, करते हो, वही हम जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि उनको बेवजह जो है वो गिरफ्तारी देने की ज़रूरत नहीं थी। और ये जो दिल्ली में गिरफ्तारी का नाटक होता है, राजनीतिक नाटक होता है, वो गिरफ्तारी का और प्रोटेस्ट का भी अपमान है। ये जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक बार 1971 में राष्ट्रपति भवन में घुस करके और प्रदर्शन किया, वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से निकाल दिए गए थे और हमारी कोई सुन नहीं रहा था। तो हमने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया दिल्ली, सबको सबके पास गए और करीब 250 लोग हम लोग इकट्ठे हो गए, 250 लोग हम लोग इकट्ठे हुए बोट क्लब पर, कई घंटे तक जिसके मन में जो आया वो भाषण किया, परंतु हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास में कोई पुलिस नहीं है, हमको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो उन दिनों सुरक्षा वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, हम लोग दौड़ते हुए राष्ट्रपति भवन चले गए और राष्ट्रपति का जहाँ सेक्रेटरी बैठता है वहाँ जा कर के नारे लगाने लगे। तब वहाँ सिक्योरिटी वाले भी सतर्क हुए, हम लोगों को बल्लियों से घेर करके और गिरफ्तार कर लिया गया। उन दिनों में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ही मजिस्ट्रेट बैठता था, तब मजिस्ट्रेट और पुलिस सिस्टम एक था। हमको सजा हो गई और हमको तिहाड़ जेल भेजा जाने लगा, तो भेजा गया। उन दिनों जेल मंत्री मदनलाल खुराना थे, उनको कहीं से पता चला हुआ तो आए, हमारी बात, हमारी चिंता भी की उन्होंने। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी को प्रोटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और राहुल गांधी को अगर मालूम होता कि उनको 7-8 दिन जेल में रहना पड़ेगा तो तो वो शायद प्रोटेस्ट करने भी नहीं जाते। नहीं ये जाते, तो पुलिस थाने में, लोधी रोड के पुलिस थाने में उनको डिटेन किया था है। थोड़े देर के लिए बैठाया और फिर जी तो सर, ये एक तरह से उनका तो पिकनिक हो गया। जी सर, आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की इस पूरी एक्सरसाइज से प्रधानमंत्री की, जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए वो मरुस्थल में पानी ढूंढ रहे हैं, प्रधानमंत्री या मौजूदा सरकार की क्रेडिबिलिटी पर जरा सी भी आंच आई है या लोगों का विश्वास डगमगाया है? देखिए, नरेंद्र मोदी की जो विश्वसनीयता है, साख है, लोकप्रियता है, वो दिनों दिन बढ़ रही है, उस पर आँच आने का सवाल नहीं है। उनके दुश्मन भी मानते हैं कि सरकार के तंत्र में भ्रष्टाचार अगर होगा भी तो उससे नरेंद्र मोदी अछूते हैं। इसलिए ये सीबीआई का मामला हो या राफेल का मामला हो, ये सारे मामले खुद अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आर्टिकल लिखा है और उसमें ये कहा है कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं। तो नरेंद्र मोदी लोगों को डांट सकते हैं, लोगों को अनुशासन में ला सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं,
जितनी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा आपसे काम ले सकते हैं, इन बातों के लिए वो बदनाम मान लीजिए आप, अगर इस सेंस में कहें तो इन बातों के लिए बदनाम। लेकिन ईमानदारी के सवाल पर नरेंद्र मोदी बेदाग हैं, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए इस तरह के जो मामले हैं उसमें सरकार की साख पर किसी भी तरह की आँच नहीं आई है। और मैं ये मानता हूँ कि जो लोग जो सरकार के समर्थक हैं, ऐसे लोग कुछ हैं जो ये मानते हैं कि इसमें हम जो फैसला या जो निर्णय या जो हस्तक्षेप सरकार की ओर से 23 तारीख की रात में हुआ वो पहले होना चाहिए था, ऐसा एक मत है। ये जो लोग ऐसा जो कहते हैं मैं उनसे असहमत हूँ, क्योंकि आखिर किसी समय किसी चीज़ को पकने के लिए भी समय चाहिए। आलोक वर्मा को हटाने का तो वही क्षण था जब उन्होंने राकेश अस्थाना के खिलाफ FIR करवाई और उनके की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेज दी। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो प्रधानमंत्री की और PMO की टीम है उसने रात देर रुक करके देर में 2-2.5 बजे तक सारी चीज़ों पर विचार विमर्श करके जो उन्होंने फैसला किया सही समय पर सही फैसला किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये आपने ज्ञानवर्धन किया इस पर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। हम हैं हिंदुस्तान समाचार, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।